A very good morning. Hello student, I am your teacher Ms. Gunjan Verma from Sanskriti Gurukul School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 1, the weather, chapter 2, our surroundings matching. चैप्टर वन हम पढ़ चुके हैं, उसके एम सी क्यूज़ भी कर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर चुके हैं, ट्रू फॉल्स भी कर चुके हैं. चैप्टर टू भी हम पढ़ चुके हैं. चैप्टर टू में हमने लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा था, उसको भी पढ़ चुके हैं, उसकी एम सी क्यूज़ भी कर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर चुके हैं, ट्रू फॉल्स भी कर चुके हैं. ओके, तो आज हम करेंगे इन दोनों चैप्टर्स की मैचिंग. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. आपको नोट करनी है मैचिंग भी, मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आप नोट करिएगा. ओके, तो फर्स्टली हम लेते हैं चैप्टर वन, द वेदर के बारे में हम जो पढ़ा था उसकी मैचिंग लेते हैं. ओके, ए और बी दो कॉलम दिए आपको, इधर 1 2 3 डला है, इधर ए बी सी डला है. ओके, तो ए को हमने बी से मैच करना है. तो फर्स्ट पे क्या लिखा है, समर डेज आर, इधर बी के सी पे हॉट. ठीक है, सेकंड पे लिखा है विंटर डेज आर, तो बी के ए पे कूल, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑन बी के बी पे. ओके, आ विंटी डे. ओके, समर डेज कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, विंटर डेज कैसे होते हैं, कूल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग विंड कब चलती है, विंडी डे में. ओके, तो ये थ्री मैचिंग थी चैप्टर वन के लिए, आपको नोट करनी है. अब चैप्टर टू की मैचिंग, अवर सराउंडिंग्स हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. ओके, तो इसकी मैचिंग करते हैं. इसमें भी ए और बी दो कॉलम दिए गए हैं, ए में 1 2 3 4 डाला है और बी में डाला है ए बी सी डी. ओके, तो हमको ए से बी को मैच करना है. फर्स्ट पे लिखा है एनिमल्स, तो इसका कहाँ डी पे, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एनिमल ब्रेथ करते हैं, क्या लेते हैं ऑक्सीजन, और क्या ब्रेथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा इसका, ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सेकंड पे लिखा है नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के पास क्या नहीं होती, इसका ए बी का ए डू नॉट हैव लाइफ. ओके, थर्ड पे लिखा है लिविंग थिंग्स, इसका क्या है बी का बी हैव लाइफ. फोर्थ पे क्या है प्लांट्स, तो इसका क्या है सी बी का सी ब्रेथ आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स क्या ब्रेथ आउट करते हैं ऑक्सीजन. ओके, तो दोनों मैचिंग आपको जैसे लिखी है यहाँ पे दिख रही है आपको वैसे ही नोट करनी है. ओके, अच्छे से नोट करिएगा और लर्न करिएगा. थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ.